आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Redmi Note 4 के सेप शिफ्ट के 1.2.1 ऑफिशियल एंड्रॉयड 10 रोम के अपडेट के बारे में, और यहाँ पे इस अपडेट में जो न्यू फीचर्स ऐड किए गए उनके बारे में बात करूँगा ज़्यादा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और साथ साथ अगर आपको पूरी रिव्यू इस रोम की चाहिए, बिल्कुल कम्प्लीट रिव्यू, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले वाला जो बिल्ड था उसमें फुल रिव्यू मैं किया हूँ, तो आपको बाकी फीचर्स के बारे में वहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो लेटेस्ट फीचर ऐड हुए हैं उनको ही कवर करने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 हमें देखने को मिल जाता है। सेप शिफ्ट का जो वर्जन है 1.2.1 ऑफिशियल रोम है, 5 सितंबर 2020 की सिक्योरिटी पैच मिलती है, और फ़ोन स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। नीचे आपको कर्नल जो ओमनी रोम का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार में जो है आपके यहाँ पे ये कुछ टॉगल्स हैं जो देखने को मिलने वाले, बिल्कुल सेम है सारी चीज़ें। आपको यहाँ पे FPS इन्फो तो देखने को नहीं मिलता, और जैसा पहले था उसी तरीके से ऑक्सीजन ओएस वाला आपको यहाँ पे जो है स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाता है। और वॉल्यूम पैनल की बात करें तो वॉल्यूम पैनल एक्सटेंड करने के लिए मिल जाता है, और आप चेंज भी कर सकते हो इसको, आगे सेटिंग्स में मैं दिखा दूंगा। पावर मेन्यू में आपको रिस्टार्ट बटन पे जो है एडवांस रिस्टार्ट आप सेटिंग से इनेबल कर सकते हैं। और आपका जो यहाँ पे रीसेंट है वो आपको ऑक्सीजन ओएस वाला ही मिलता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्चर जो है यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस वाला है। और इसकी सेटिंग्स भी दिखा दो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो आइकन पैक है आप यहीं से डायरेक्ट चेंज कर सकते हो। आपको ऑक्सीजन ओएस के कुछ यहाँ पे आइकन भी देखने को मिल जाते हैं, और एक्स्ट्रा भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और कॉलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वोल्टी तो हमारी काम कर रही है, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग जो है काम नहीं करता। तो वीडियो कॉलिंग के लिए आपको ऐप यूज़ करना पड़ेगा, ऐप के साथ ही जो है वीडियो कॉलिंग आप कर पाओगे, और बाकी सारी चीज़ें तो फिलहाल यहाँ पे सही से काम कर रही है। और अगर हम बात करते हैं कैमरे की, तो डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको ये मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको मैनुअल मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जीकैम की, तो जीकैम हमारा बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। जीकैम में आप पोर्ट्रेट मोड हो या नाइट साइट हो, दोनों ही बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लिक कर पाओगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और प्ले स्टोर हमारा नोट सर्टिफाइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एडवांस कंट्रोल जो कि हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है इसमें, तो एडवांस कंट्रोल मिलने वाला है। और यहाँ पे अगर हम बात करें डॉल्बी की, तो डॉल्बी ऑडियो हमें मिल जाता है, लेकिन ये जो है एक दिक्कत फिलहाल मुझे इसमें देखने को मिल रही है, जो कि ईयरफोन लगाने के बाद भी जो है ये एक्टिवेट नहीं होता, जैसे कि आप देख सकते हो सेम ही रहता है। अगर आप में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर चल रहा है तो भी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो FM मिल जाता है, म्यूजिक प्लेयर देखने को नहीं मिलता। सेफ शिफ्ट का जो है पेपर्स मिल जाता है, वेदर भी आपको वही मिल जाता है ऑक्सीजन वाला। बैंकिंग ऐप जो है यहाँ पे फिलहाल काम नहीं करे, तो बैंकिंग ऐप के लिए आपको जो है रूट करना पड़ेगा, और मैजिक मैनेजर से हाइड करके ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप बैंकिंग ऐप यहाँ पे जो है यूज़ कर पाओगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें सेटिंग्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं कास्ट की, तो यहाँ पर जो है कास्ट हमारा बिल्कुल इस तरीके से काम करे, तो कास्ट में आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। और सेफ शिफ्ट के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर स्टेटस बार में आपको फिलहाल कोई भी चेंजेस नहीं मिलती है। वोल्टी आइकन जो है काम करते हैं, यहाँ पर मेरा जो है प्लान ख़त्म है उसकी, इसलिए शो नहीं करा, लेकिन मैं जियो सिम जो है लगा के चेक कर चुका हूँ, जो है वर्किंग है वोल्टी आइकन, यानी यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। क्विक सेटिंग्स की अगर हम बात करें, तो क्विक सेटिंग्स में जो है हमारा यहाँ पे एक चेंज मिलता है, जो कि डिसेबल क्विक सेटिंग्स पिन लॉक्ड, ये ऑप्शन है जो कि इस अपडेट में आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। और लॉक स्क्रीन के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन ऐड किया गया, जैसे कि फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन, ये जो है ऑप्शन आपको इस अपडेट में देखने को मिलने वाला है, तो ये भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। और बाकी सारे फीचर्स तो सेम ही आपको मिलने वाले, डबल टैप टू स्लीप, ये सारी चीज़ें। UI ट्यूनर के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाती है, पहले जो हमें देखने को मिलती थी टिंट, ये सारी चीज़ें वो आपको सेम ही मिलने वाली है। MIUI स्टाइल, ब्राइटनेस स्लाइडर, ये सारी चीज़ें मिलती है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। थीम इंजन के अंदर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि अडेप्टिव आइकन्स, तो यहाँ पे आपको हार्ट आइकन देखने को मिलने वाला है इस अपडेट में, ऐड किया गया हार्ट आइकन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉगल्स के आइकन है, आप देख सकते हो हार्ट, जो कि हार्ट सिंबल में देखने को मिलने वाले हैं, ये यहाँ पे ऐड किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, चार आपको मिल जाते हैं। और नीचे जो है क्लॉक स्टाइल भी देखने को हमें यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो इनमें जो है क्लॉक स्टाइल आप अप्लाई कर पाओगे बिल्कुल ऐसे तरीके से, कोई भी दिक्कत हमें देखने को इसमें नहीं मिलती। नीचे आपको फॉन्ट्स मिल जाता है। और बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन के अंदर हमारा एम्बिएंट लाइट जो है काम कर रहा है, एंड यहाँ पे चार्जिंग लाइट मिल जाता है। और अगर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। नेविगेशन बार में अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है स्क्रीनशॉट टाइप मिलता है, और नीचे हमारा पावर मेन्यू मिल जाता है, जिसमें आप
एडवांस्ड स्टार्ट इनेबल कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है ड्यूरेंट वॉल्यूम बटन। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि आप रोटेट करते हो अपने फ़ोन को, जैसे कि अभी तो आपका वॉल्यूम आप देख सकते हो इनेबल करने के बाद भी ये जो है वॉल्यूम हमारा जो है यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे कि हम रोटेट करते हैं तब रोटेट में जो है आप स्वाइप करके वॉल्यूम आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप प्लस वाला दबाओगे तो माइनस होगा और माइनस वाला दबाओगे तो प्लस होगा वॉल्यूम। इस तरीके से जो है ये काम करता है, इसको ऑफ करते ही जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्वाइप करके आप बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर बटन से करोगे तो बटन से माइनस वाले से प्लस होता है और प्लस वाले से माइनस आपका होगा। इस तरीके मतलब उल्टा हो जाता है बिल्कुल, और इसको ऑफ करते ही सही हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं डाउन यहाँ पे जो है माइनस दबा रहा हूँ लेकिन ये प्लस हो रहा है वॉल्यूम, इसको ऑफ करते ही जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करता है। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे दे दिया गया है आपको इस अपडेट में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर, तो मिसलेनियस में फिलहाल हमें कोई चेंजेस नहीं मिला। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हो गया, एग्रेसिव बैटरी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मिलती है। और अगर हम बैक करते हैं और चलते हैं यहाँ पे बैटरी के अंदर, तो बैटरी सेवर मिल जाता है, एडेप्टिव बैटरी मिल जाता है, स्मार्ट चार्जिंग। और यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड किया गया है जो कि बैटरी टेम्परेचर है, ये जो है इस अपडेट में यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। और बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर जो है यहाँ पे हाई ब्राइटनेस पे मैं यूज़ किया हूँ इन ऐप को, तो 61% बैटरी जो है हमारी यहाँ पे बची है। तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छी फिलहाल मिल जाती है, हाई ब्राइटनेस पे यूज़ किया नॉर्मल पे इससे ज़्यादा ही मिलेगी। और यहाँ पे जो है ये हमारी बैटरी बैकअप थी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के अंदर फिलहाल कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है, सारी चीज़ें सेम ही मिलने वाली। स्टाइल्स एंड क्लॉक स्टाइल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। नाइट लाइट हमारा वर्किंग है यहाँ पे, स्क्रीन टाइम मिल जाता है, लॉक स्क्रीन टाइम मिल जाता है, नीचे लॉक स्क्रीन जो कि डिस्प्ले सेटिंग्स मिलता है जिसमें आपको ऑलवेज ऑन वर्किंग है आपका। डबल टैप टू बैक हमारा वर्किंग है। और साउंड के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है अदर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, और नीचे हमारा MI साउंड एनहांसर भी मिल जाता है जो कि वर्किंग है बिल्कुल ऐसे तरीके से। और बैक करते हैं और चलते हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो सिक्योरिटी के अंदर जो है हमारा फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक मिल जाता है और साथ साथ ऐप लॉकर भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट जो है हमारे यहाँ पे हल्का सा डिले देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी आपको दिखा देता हूं टैप करके, तो आप देख सकते हो टैप करने के कितने टाइम बाद जो है अनलॉक हो रहा है, हल्का सा डिले है। और फेस अनलॉक जो है हमारा यहाँ पे काम कर रहा है बिल्कुल ऐसी तरीके से। और यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स हमें मिल जाती है, और नीचे जो है ऐप लॉकर आपको अब देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, जो कि इस अपडेट में मेन ऐड किया गया है ऐप लॉकर, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। इस अपडेट से जो है आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाएगा। और नीचे चलते हैं यहाँ पे बैक करने के बाद डिजिटल वेलबिंग का सपोर्ट हमें देखने को इसमें मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड सिस्टम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक जेस्चर का सेटिंग्स भी मिल जाता है, जंप टू कैमरा एंड सिस्टम नेविगेशन मिल जाता है जिसके अंदर ये कुछ सेटिंग्स आपको मिलने वाली है। और नीचे हमारा 2 बटन नेविगेशन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, एक आप अच्छी बात है यहाँ पे जो है परफेक्ट जो है वर्किंग है। और 3 बटन नेविगेशन भी हमारा काम कर रहा है, साथ साथ ऑक्सीजन OS का लाइक आपको देखने को यहाँ पे जो है मिल जाता है, नेविगेशन बार बटन्स तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला। तो बिल्कुल मिक्सचर है, ऑक्सीजन OS का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ कुछ चीज़ें। एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट हमें मिल जाता है, और ये बाहर नॉर्मल आपको सेटिंग्स मिलने वाली है। और बात करें एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की, तो 92,922 हमें जो है यहाँ पे एंटूटू का स्कोर देखने को मिल जाता है। और बात करें पबजी की, तो पबजी की ग्राफिक तो आपको सेटिंग्स जो है सेम ही मिलती, स्मूथ पे हाई है और बैलेंस पे मीडियम तक हमें मिलती, तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले हैं। और पबजी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो पबजी परफॉर्मेंस आपको उतनी ज़्यादा बेटर नहीं मिलने वाली थी, गेमिंग रोम के तौर पर जो है ये आपको गेमिंग जैसे कि गेमिंग रोम जो होते हैं उन पर आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती क्योंकि ये गेमिंग रोम तो फिलहाल मैं नहीं बोल सकता इसको गेमिंग रोम, यहाँ पर जो है ये नहीं भी है यहाँ पर। तो आप जो है गेम के लिए अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इस रोम को आप इंस्टॉल मत करो क्योंकि गेमिंग के लिए परफेक्ट नहीं है, गेमिंग में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। अगर क्लोज रेंज फाइट हुई तो आपका जो परसेंटेज है बचने के करीब 20% रहेंगे, 80% आपके चांस है कि आप हार जाओगे 1v1 अगर आपका क्लोज रेंज में फाइट होता है तो ये होगा ही, क्योंकि मैं यहाँ पे खेला और मुझे खुद यहाँ पे पता चला ये चीज़ कि क्लोज रेंज में जो है काफ़ी ज़्यादा लैग होने लग जाता है, ये तो दिक्कत आपको क्लोज रेंज में काफ़ी हो सकती है। इसलिए फिलहाल गेमिंग के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता इसको, लेकिन डेली लाइफ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, बस आपको बैंकिंग ऐप बाकी रोम्स की तरह कुछ कुछ रोम्स जैसे कि हैं फिक्स करना पड़ता है, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा मैजिक मैनेजर से ही। तो यही सारी चीज़ थी यहाँ पे इस रोम में और चेंजेस थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और इंस्टॉलेशन जो है सेम ही रहेगा, सिंपली आपको रिकवरी पर जाना है, डॉल्बिक सिस्टम डेटा विंडर कैच 5ों को जो है वाइप कर देना है और रोम फ्लश करना है एंड रिबूट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है GApps फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है, GApps जो है इंक्लूडेड है इस रोम में।
तो आपको जो यहाँ पे प्लस कनेक्ट जरूर नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस यही सारी चीज़ें, और अगर आपको कुछ और इस रोम के बारे में पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और फुल रिव्यू अगर आपको देखना है बिल्कुल एक एक फीचर्स के बारे में तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।